कैसे हैं आप? सब आए हो, अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अच्छे रहना तो चलो करते हैं आज का दिन शुरू। तो आज कहाँ से शुरुआत करूँ समझ में नहीं आ रहा। मौसम इतना बेकार सा हो रहा है। सोच तो रहे थे कहीं जाने के लिए, पर पता नहीं अब जा पाएंगे कि नहीं। और मन्नू वहाँ देख रहे होंगे, पीछे लेटा पड़ा है क्योंकि उसके पेपर वेपर चल रहे हैं। पढ़ाई देखो, आप सब भी बताना कि पढ़ाई ऐसी होती है जैसे कर रहा है। तो क्या बताएं, अभी हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। जो हमने आपको कल वीडियो में बताया था होम स्टे के बारे में, वो मतलब कम रेंज में अच्छे हैं और उन्होंने घूमने का भी पैकेज बनाया हुआ है। मतलब बस कर रखी है अरेंजमेंट। तो अब वैष्णो देवी के जा रही है, तो मैं और मन्नू हम दोनों तो जा रहे हैं। अगर आप सबको भी किसी को जाना है तो कमेंट करके बताना, तो हम आपकी टिकट करा देंगे। टिकट है 3500 रुपये, 6 या 5 दिन का टूर है। और तो यहाँ से जाएगी 18 नवंबर को जाएगी, और यहाँ से सीधे शायद पंजाब होते हुए जाएगी। तो गोल्डन टेम्पल भी है, वैष्णो देवी भी है, और 9 देवियों के दर्शन हैं इसमें 3500 रुपये में। तो 3500 रुपये में हमारा खाना भी है और हमारा रहने का भी है, मतलब रात में सोने का, होम स्टे भी। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लेके खाना है तो वो आपके पैसे अपने पैसे से लेके खाना पड़ेगा। और एक दिन हम आप सबको दोबारा से वो रूम के बारे में बताएंगे एक एक करके, क्योंकि हम गए तो किसी और काम से थे वहाँ पे, तो हमें अचानक से ही पता लग गया था कि इन्होंने ये मतलब उसका भी PG टाइप में रूम बना रखे हैं और उन्हें रेंट पर देते हैं। तो काफ़ी जानकारी है मुझे इनसे, बहुत पुरानी मेरी जानने वाली है। और यहीं अर्थले है, बिल्कुल मेन रोड पर है ये। और इसकी लोकेशन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, और उनका नंबर भी दे रखा है किसी भी भाई या बहन को चाहिए तो। क्योंकि उन्होंने 2 पार्टीशन बना रखे हैं, एक लड़कियों का बना रखा है, एक बॉयज़ का बना रखा है। तो बॉयज़ का एक तरफ बना रखा है, लड़कियों का एक तरफ बना रखा है। खाना पीना सब इन्होंने अपने आप से ही अरेंज कर रखा है, बस वहाँ जाकर रहो और अपने कपड़े ले जाओ बस। मतलब PG टाइप में जो भी होता है वो सब है वहाँ पे। AC रूम चाहिए तो AC भी अवेलेबल है, रूम पंखा वाला चाहिए तो, कूलर वाला चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। वो आप पर डिपेंड करता है, शायद AC वाले के चार्ज बढ़ जाएंगे। तो अब हम इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं, बाहर का मौसम दिखाते हैं आपको। आज मौसम ऐसा हो रहा है, लगता है जल्दी ठंड आने वाली है। और तो गर्मी से भी ना हमारा भी जी उग गया है, और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से सर्दी आए और हम भी एक लॉन्ग ट्रिप मारें, बर्फबारी जल्दी शुरू हो जाए तो बर्फबारी में आनंद ले। मैं आप सबको भी दिखाएं, देखो मौसम तो कुछ ऐसा हो रहा है, कभी तो बूंद आ जाती है, कभी मौसम ऐसा हो रहा। तो दोस्तों थोड़ी देर में मिलते हैं। और दोस्तों, और कल मैं शॉपिंग करूँगी क्योंकि दुकानों पर कोई ना भीड़ तो बना नहीं देता है। तो मैं जब लेके आऊँगी ना तब दिखाऊँगी। एक सूट लेके आऊँगी, शायद सूट तो मैं 2 लेके आऊँगी, साड़ी 1 लेके आऊँगी, क्योंकि एक दीपावली के लिए लेके आऊँगी सूट, 1 करवा चौथ के लिए। करवा चौथ के लिए तो साड़ी देखती हूँ, अगर हल्की पसंद आई तो हल्की, थोड़ी हल्के में देखती हूँ। वो दुकान पर जाने पर देख कैसी लेते हैं, और आप सबको भी दिखाऊंगी मैं क्या क्या खरीद के लेके आई हूँ। तो अभी हम चाय पी लेते हैं, मिलते हैं कुछ देर बाद। देखो आज शाम को हम क्या बनाएंगे। एक तो बारिश हो रही है, देखो मार्केट सब्जी लेने भी, कितनी देर में बारिश बंद होगी तो सब्जी लेने जाऊँगी। तो मिलते हैं कुछ। काली इलायची है, यहाँ पर टमाटर है, और यहाँ पर है हरी मिर्च और मसाला, उसके बाद प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। Thank you.
मध का देख रहे हैं कुछ थोड़ी ब्राउन सी हो गई है तो हम इसमें डाल देते हैं। अब इसमें मसाले देखते हैं, हल्दी है, इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर जो है और ये गर्म मसाला है जो वैसे भी स्वाद लाती है, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे चावल में डाल दिए हैं और पानी भी डाल रहे हैं और इसमें अभी हम आलू भी डालेंगे। इसे हिला देते हैं थोड़ा सा। तो अब हमने इसमें आलू भी डाल दिए हैं और अब नमक डालते हैं इसमें। तो हम इसमें नमक डालने जा रहे हैं एक चम्मच प्लस दो चम्मच प्लस। तो अभी हमने अपने कुकर को सीटी लगाने को रख दिया है फुल गैस पे, देख सकते होंगे आप। तो दोस्तों चुनमुन आ चुकी है और आज ये आपको कुछ बताना चाह रही है, आज इसके कॉलेज में क्या हुआ था। कॉलेज में हाँ मतलब जो भी है कॉलेज की बात है भाई। आज हमारा जो पप्पू है ना, हमारा पप्पू पास हो गया, वो पास हो गया। आज उसका रिजल्ट आया था सेकेंड ईयर का। तो चुनमुन कैसा लग रहा रिजल्ट आके? सुकून से मिल गया, अभी तक चिंता खा रही थी। और इसके साथ की ना काफ़ी लड़कियां फेल हो गई हैं और बहुत अफसोस की बात है, बेचारी उन्होंने मेहनत करी थी। तो जब ऐसे रिजल्ट निकलता तो बहुत ही बुरा लगता है। और चुनमुन का मुझे डर था, पता नहीं ये पप्पू मेरी पास होगी कि नहीं होगी, पर ये पास हो गई है ना। मुझे खुद यकीन नहीं था कि मैं पास हो जाऊंगी, खुद बोलती थी मम्मी पास होंगी कि फेल होंगी। तो आज हमारा पप्पू पास हो गया, तो इसी खुशी में इसका मुंह मीठा मीठा कराऊंगी, वो तो किससे से सांदे से। तो चीनी खिला देती हूँ इसको एक चम्मच, तो मुंह ही तो मीठा करना है ना। तो खिला दो कुछ अच्छा सा। लो जी जब पप्पू रिजल्ट रिजल्ट तो तेरा आया, तू खिलाएगी कि मैं खिलाऊंगी भाई। चलो तो अभी इसी बात पे पूजा कर दे, पूजा का टाइम हो रहा है। अरे मैं भी खाना खा लेती हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज चैनल को। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, छोटे बड़ों का सबका ध्यान रखिए और बाय बाय।